मुगलों में दारा शिकोह का नाम उनके जाने के इतने साल बाद भी इतने सम्मान से क्यों लिया जाता है, ये हमने पूछा दारा शिकोह पर शोध कर चुके संजीव सिंह से। दरअसल आज की तारीख को अगर हम देखें तो दारा को हम ये कह सकते हैं कि जो अलग अलग धर्मावलंबी लोग थे, अलग अलग मतों के मानने वाले थे, उन सबको लेकर के उन्होंने जो एक धारणा जो बनाई थी वो सबके लिए बहुत हद तक एक समान थी और वो एक ही सत्ता को सारे लोगों में देखने की उनकी कोशिश थी। तो बहुत कम हम उनकी जो रचनाएं हैं या उनका जो जो उनका लिटरेचर मिलता है, जो उन्होंने लिखा है, बहुत कम ऐसा होता है कि हम बहुत कम क्या बल्कि ना के बराबर ही है कि हम किसी में कोई फर्क देखें। वो सभी लोगों को, सभी जो 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 मतों के मानने वाले हैं, उन सबको एक जैसा समझते हैं और साथ लेकर के चलने की कोशिश करते हैं। तो आज की तारीख में शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि उनका नाम जो है वो आदर के साथ लिया जाता है, क्योंकि वो धर्मांध नहीं है, वो संकीर्ण सोच के स्वामी। दारा शिकोह एक उम्दा रचनाकार थे। संजीव सिंह उनकी एक रचना हमसे साझा कर रहे हैं। दारा शिकोह थे, जैसा कि मैंने अभी अर्ज किया कि वो एक ही सत्ता को सभी में देखने की कोशिश करते थे, तो उनकी रचनाओं में भी हमको यही भाव नजर आता है। तो एक जगह वो कहते हैं कि आए तू अंदर हर जमाले रूनुमा, वाए तू अंदर हर लिबासे आशना, ऐ बहर जा हुस्न खूबत जल बदर, ऐ सितादा शोर हुस्न जा बजा। मतलब आए तू अंदर हर जमाले रूनुमा, कि तू जमाल माने खूबसूरती, कि वो कहते हैं कि तू हर एक खूबसूरती में, चाहे वो पहाड़ों की खूबसूरती हो, चाहे वो परिंदों में हो, चाहे चहचहाट में हो, चाहे वो बारिश में हो, मतलब हर एक खूबसूरती में जो है तू रूनुमा, तू नजर आता है, तू नुमाया होता है। मैं तू अंदर हर लिबास के आशना, और तू दोस्ती के, मोहब्बत के हर एक लिबास, हर एक पहर में भी तू जो है हमको दिखता है। हर एक जो दोस्ती का लिबास है, मोहब्बत का जो लिबास, उसमें तू ही तो है, कोई दूसरा थोड़ी है। ऐ वह हर जा हुस्न खूबत जल बगैर, और हर एक जगह तेरी जो खूबसूरत हुस्न है, जो तेरा जो जो जो, जो सुंदरता है, वो जल बगैर है, वो नजर आ रहा है। और ऐ सितादे शोर हुस्न जा बजाए, और तेरी खूबसूरती के ही जो जो चर्चे हैं, वो हर एक जगह जो है वो हमको सुनाई देते हैं। तो इस तरह से वो एक तरह से हमको जो है हर एक वस्तु में, हर एक चीज में हमको उस एक परम सत्ता का जो है वो दर्शन दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ये उनके जो जो उन्होंने लिखा है उसका एक तरीके से सार तत्व यही है। दारा शिकोह की कब्र को खोजा जाना बेहद चुनौतीपूर्ण था। हमने संजीव सिंह से जानना चाहा कि वे दारा शिकोह की कब्र तक कैसे पहुंचे। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच में जो वैसे तो चारों भाइयों के बीच में एक उत्तराधिकार जो के लिए संघर्ष हुआ, जब शाहजहां बीमार पड़े तो उसके बाद उनके चारों जो बेटे थे वो आपस में लड़े, और उसमें आखिरकार औरंगजेब ने फतह हासिल की, और उसके लिए जो प्रपंच हुए, जो झगड़े हुए, जो लड़ाइयां हुई, वो हमको इतिहास की किताबों में बहुत आसानी के साथ मिलती है। लेकिन दारा के साथ जो औरंगजेब का व्यवहार था वो एक अलग ही किस्म का था, बल्कि यूं कहें कि हमको जो 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 कंटेम्प्रेरी जो जो उस वक्त के समसामयिक जो ट्रेवलर्स हैं, जिसमें बर्नियर है, और तो वो हमको बताते हैं कि किस तरह से दारा शिकोह की गर्दन को काट करके और उसके धड़ को हाथी पर, हथनी पर बांध करके शाहजहांबाद की गलियों में घुमाया गया। हमको बाद में काफी खान भी इसी चीज को बताता है कि किस तरह से उसकी गर्दन काट दी गई, और दो बार जो है, एक बार जब वो जिंदा थे उस वक्त उनको जो है पुरानी दिल्ली की गलियों में, जिसको कि शाहजहांबाद उस वक्त कहा जा रहा, उसकी गलियों में घुमाया गया, जिससे कि जो आवाम है, जो जनता है, उसके बीच में एक डर और एक भय जो है व्याप्त हो सके कि जो भी शहनशाह के खिलाफ आवाज उठाएगा उसका यही असर होने वाला है। और एक सबसे बड़ी चीज ये कि बहुत ही नाटकीय रूप से जो उस वक्त के हिस्टोरियंस है, खासतौर से जो यात्री है, वो हमको बताते हैं कि किस तरह से दारा का सर काट करके औरंगजेब के पास ले जाया गया, और किस तरह से उसने बहुत हिकारत की नजरों से दारा के सर को देखा और कहा कि इस बदबخت को आप जो है ले जाए और हुमायूं के मकबरे में दफन कर दें। अब हुमायूं के मकबरे में
दफन करने की बात हमको जो है बहुत सारी किताबों से मिलती है, लेकिन किस जगह पर, किस खास लोकेशन पर उसको दफनाया गया, ये हमको सिर्फ एक किताब है जिसका नाम है आलमगीरनामा, उस पर हमको उसकी एक निशानदेही, एक जो है चाबी मिलती है कि उसको एक्चुअल में किस जगह पर दफनाया गया होगा। क्योंकि हुमायूं का जो मकबरा है उसके अंदर लगभग 140 से 150 के बीच में कब्रें हैं जिन लोगों को वहां दफन किया गया है, और सबसे बड़ी चीज ये है कि कुछ ही कब्रें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर हमको कुछ नाम और कुछ सन मिलती है, बाकी सब जो सारी कब्रें जो है वो बिना किसी निशान के और बिना किसी लेख के हमको मिलती है। तो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम किस कब्र को दारा की कहें और किसको ना कहें। तो अगर आप आर्किटेक्चर के हिसाब से देखेंगे, वास्तुकला के हिसाब से देखेंगे, तो समय के साथ साथ उसमें परिवर्तन आता रहता है। चाहे आप घरों को देखें, चाहे आप अपने लिबास में देखें, खान पान में भी देखें, समय के साथ साथ ये बदलते रहते हैं। तो मैंने कब्रों के वास्तु का अध्ययन किया, और खासतौर से मुगलों के जमाने का। तो उसमें जो शाहजहां के जमाने में जो कब्रें बन रही थी वो अकबर के जमाने से बनने वाली कब्रों से अलग थी, इसी तरीके से और जो आगे आने वाले समय में कब्रें बन रही थी वो भी बिल्कुल अलग थी। तो एक तो इस तरीके से जानने की कोशिश की कि जो ये 150 कब्रें हैं, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि 150 कब्र को मैं से ढूंढना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जो हमारा जो जो वो ग्रंथ है आलमगीरनामा, जिसका कि मैंने जिक्र किया आपसे, ये खुद औरंगजेब के जमाने में लिखा गया और औरंगजेब के आदेश से लिखा गया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये औरंगजेब के जमाने का वो दस्तावेज है जो औरंगजेब की सहमति से लिखा गया। तो उसमें वो जो राइटर है, जो जो इतिहासकार है, वो ये कहता है कि दारा की लाश को हुमायूं के मकबरे में ले जाया गया, और गुम्बद के नीचे बने तहखाने में, जहाँ की उनकी मुबारक कब्र, मतलब हुमायूं की मुबारक कब्र है, और जहाँ बादशाह अकबर के दो बेटे दानियाल और मुराद दफन है, वहां दफना दिया गया। तो हमको जो पूरे मकबरे में ढूंढने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो साफ कहता है कि गुम्बद के नीचे बने तहखाने में, तो हमको गुम्बद के नीचे ही जाना था। वही मैंने किया, क्योंकि मैं जो पेशे से इंजीनियर हूँ, तो मैंने वहाँ उस जो हुमायूं का मकबरा था उसका मैंने पूरा प्लान को समझा कि गुम्बद के नीचे कौन कौन से चैम्बर्स हैं, गुम्बद के बाहर कौन कौन से चैम्बर्स हैं। तो उसमें गुम्बद के नीचे जो है सिर्फ 5 चैम्बर है, जिसमें जो सेंट्रल वन है उसमें खुद हुमायूं दफन है। और चूंकि जो इतिहासकार है वो ये कहता है कि उस जगह पर दफना दिया गया जहाँ की अकबर के दो बेटे पहले से दफन है, यानी कि जो दानियाल और मुराद की कब्र है उसके बगल में ही दारा को दफनाया गया, यानी कि उस विशेष चैम्बर में कम से कम 3 कब्रें होनी चाहिए आज की तारीख में, अगर दारा के बाद किसी को और नहीं दफनाया गया होगा। तो मेरे सामने सबसे बड़ी चीज ये थी कि उन 5 जो चैम्बर्स हैं, जो कक्ष हैं, उनमें ये देखना कि कौन सा कमरा ऐसा है, कौन सा चैम्बर ऐसा है कि जहाँ 3 आदमियों की कब्र मौजूद है। क्योंकि हम कब्र को देख करके पहचान सकते हैं कि उसमें कोई महिला दफन है या फिर किसी पुरुष की वो कब्र है। पुरुष की कब्र के ऊपर कलमदान बना होता है और महिला की कब्र के ऊपर तख्ती बनी होती है, तो उसको देख करके हम पहचान सकते हैं। तो यही वहां पर देखा गया कि जो 5 चैम्बर्स थे गुम्बद के नीचे, उसमें सिर्फ एक चैम्बर ऐसा था जिसमें 3 कब्रें ऐसी थी जिसमें कि कलमदान बने हुए थे, यानी कि 3 पुरुषों की कब्र थी। जबकि और जो 4 चैम्बर थे, किसी में 1 कब्र थी, किसी में 2 कब्रें थी, एक कब्र थी वो एक 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 चैम्बर था जिसमें कि 3 कब्रें थी, लेकिन वो तीनों औरतों की थी क्योंकि उसके ऊपर तख्ती बनी हुई थी। तो जो पुरुषों वाला जो कमरा था उसको देख करके ये अनुमान लगाना बड़ा आसान हो गया कि यही वो खास, यही वो विशेष कक्ष है जिसमें कि 3 पुरुष दफन है, और हुमायूं की कब्र के बिल्कुल नजदीक है वो। तो जो हमारे इतिहासकार ने कथन कहा है कि गुम्बद के नीचे बने तहखाने में जहाँ कि उन बादशाह की मुबारक कब्र है, और जहाँ कि वो 2 शहजादे दानियाल और मुराद अकबर के बेटे दफन है, वह दफना दिया गया। तो वो शर्तें जो है बिल्कुल उसका वो मतलब वहां पर वो
फिट बैठती हैं, बिल्कुल पालन होता है इन सारी बातों का। और फिर जो तीन कब्रें थी उसमें दो कब्र जो है वो अकबर के शासनकाल की वास्तुगत विशेषताओं को बताती है, और एक कब्र जो है वो बिल्कुल अलग है जो कि शाहजहां कालीन वास्तुगत विशेषताओं को बताती है। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज ये है कि जो अगर हम तहखाने में जाए जहाँ मतलब दफनाया गया, क्योंकि जो मैं बात कर रहा हूँ ये ऊपर पहली फ्लोर पर जो उनका सेनोटाफ बना हुआ, जो तावीज बने हुए हैं, जो कब्र का तावीज होता है, पत्थर जो होता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप नीचे तहखाने में जाएंगे तो जो रास्ता है वो बिल्कुल अलग दिशा से है, वो पश्चिम की तरफ से है, और उसमें जो डेड बॉडी आएगी, अगर हम ये ध्यान रखें कि जो सबसे पहले किसकी डेथ हुई, कौन आया होगा, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया, तो जो अगर चैम्बर खाली होगा तो सबसे पहले जो आएगा उसको चैम्बर के बीच की जगह मिलेगी, दूसरा जो आएगा उसको कोने की जगह मिलेगी, ना कि दरवाजे के पास वाली, क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो सकता है उससे, और जो सबसे लास्ट में दफनाने के लिए आएगा उसको दरवाजे के पास की ही जगह मिलेगी। और ऐसा ही हुआ है, क्योंकि दो जो कब्रें हैं वो जो एक जैसी वास्तुगत विशेषताओं को बताती हैं, जो दानियाल और मुराद की है, जो क्रमशः हम कह सकते हैं कि 1604 1605 में दानियाल की डेथ हुई है और 1599 के आसपास मुराद की डेथ हुई है, तो उनके एक जैसे वो स्ट्रक्चर्स हैं, आर्किटेक्चर है कब्रों का। जबकि जो दारा है, जो कि 1659 में जिसकी डेथ हुई है, उसका कत्ल हुआ है, उसको दफनाया गया है, उसका बिल्कुल अलग है और वो दरवाजे के पास है। तो इन सारी चीजों से जो जो निष्कर्ष निकलता है उससे यही निकला कि जो ये खास कब्र है दरवाजे के पास वाली तहखाने के, और जिसका कि सेनोटाफ ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बना हुआ है और जिसमें शाहजहां कालीन वास्तुगत विशेषताएं मौजूद है, वही खास कब्र जो है वो दारा शिकोह की है। दारा शिकोह पर शोध कर चुके संजीव सिंह से ये थी ऋचा पानेरी की बातचीत। प्रस्तुत करता थे महेंद्र सिंह लालस।